पैसा मांगता था दारू पीने के लिए, कोई काम करने के लिए पैसा दो तब तुम्हारा काम होगा, पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा। मांगा पैसा? हाँ हमसे पैसा मांगा। मुखिया जी का क्या नाम है? अरे सर क्या नाम? सहदेव या का दास नाम है। सहदेव दास जी मुखिया जी हैं। ये पहले बताइए रामपुर खुद में जो 4 नंबर वार्ड में जो बना हुआ है नल जल, उसमें टोटी कितना घर में लगा है और कितना घर में पानी का सप्लाई हो रहा है? जैसे अभी मान के चलिए हमको चक्कर आ गया, हम गिर गए, हमको अभी कौन हॉस्पिटल लेके जाइएगा? आप भी बात बिहार में है, आप एक मिनट रुकिए भाई, आप बिहार में जो है अभी बिहार में दारू बंद है तो आप कैसे कह सकते हैं बात किए हुए हैं? रोड पूरा नहीं हुआ है, अधूरा करके छोड़ दिया गया है और दोनों साइड में अभी जो हम हैं नाथनगर प्रखंड के रामपुर, नाथनगर प्रखंड के रामपुर पंचायत के जो ग्राम है, ग्राम कंझिया, कंझिया ग्राम है ना बाबा, कंझिया ग्राम वार्ड नंबर 4 में अभी हम स्थित हैं। और यहाँ पर जो है बाबा से पूछना चाहेंगे कि यहाँ का जो विकास है, 5 साल के जो मुखिया जी रहे, जो पुराने मुखिया थे यहाँ के, उनका जो कार्यकाल रहा, सत्र रहा 5 साल का, हम पूछेंगे चचा से। बताइए चचा कि यहाँ जो विकास है, ये जो वार्ड है, जो ग्राम है, इसमें क्या विकास हुआ बताइए? आज तक कोई विकास नहीं हुआ, सब धूर्त बात सब होता है, अपना काम बना कर चल, जनता का कोई काम नहीं करता है। अच्छा ये जो वोट का समय आता तो गली गली घूरता है, जब वक्त उसका पुर जाता तो वहाँ गद्दी पर बैठता या भूल जाता, या कोई विकास कुछ नहीं हुआ तक। और जो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे चचा जी ने बात किया कि यहाँ पे अभी एको बार आप जो है ये मुखिया जी से मिलने गए कि यहाँ पे जो है ये चीज़ का व्यवस्था नहीं है? मुखिया जी के पास गए, मुखिया ऐसा चुना गया कि उसको बोलने का तरीका है न कुछ है नहीं, गाड़ी पास हो रहा है, ये तो थोड़ा इधर उसको कोई बोलने का तरीका नहीं, पैसा चाहिए दारू पीने के लिए, पैसा चाहिए कुछ काम करने जाते हैं, पैसा दीजिए, रामपुर का है मुखिया। में भी दारू बंद है, आप बोल रहे हैं दारू पी रहे हैं मुखिया जी? पैसा मांगता था दारू पीने के लिए, कोई काम करने के लिए पैसा दो तब तुम्हारा काम होगा, पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा। आपसे मांगा पैसा? हाँ हमसे पैसा मांगा। मुखिया जी का क्या नाम है? अरे क्या नाम? सहदेव या का दास नाम है। सहदेव दास जी मुखिया जी हैं। आप बोल रहे हैं कि वो पैसा मांगते हैं कार्य करने के लिए? हाँ। जबकि वो मुखिया भी बने हैं और भी चाची है, इनसे भी पूछते हैं थोड़ा। आइए चाची बताइए आपका क्या समस्या है, आपका जो गांव है यहाँ पर क्या व्यवस्था है जो आपको नहीं मिला? अभी की कहे हमको लाल कार्ड कुछ नहीं मिला है। इंदिरा आवास मिला? नहीं कुछ नहीं मिला है। इनका जो कहना है इंदिरा आवास भी इनको नहीं मिला, और क्या क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या यह है सबको, गरीब को अपने पेट भरता है लीडर ने, अपने भरता है। हाँ। और भी देखिए जैसे दीदी बताई कि यहाँ पर जो है जरा सा अभी मुखिया जी के जो 5 साल का कार्यकर था, जो 5 साल का जो सत्र था मेरे भाई, कोई विकास नहीं है। और भी हम भाई लोग हैं, उन लोगों के सामने चलेंगे और बोले भाई जी बताइए, आप इसी गांव के हैं जी? हाँ जी। और बताइए 5 साल का जो कार्यकाल रहा? हाँ मेरे नजर में तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वार्ड नंबर 4 से आते हैं सर, हमारे नगर में काम हुआ है, जैसे नल जल योजना का काम हुआ है, घर घर नल जल योजना गया, बहुत अच्छा काम हुआ है। कहाँ आपके आपके घर में पानी? मेरे घर में है, मेरे दोनों घर पे गया है, सप्लाई वाला पानी आता है। सप्लाई वाला कैमरा मैन थोड़ा सा आ गया जी, भैया सुमित भैया जरा से इधर दिखाना चाहेंगे, दिखाइए भैया जी भी बोल रहे हैं विकास हुआ है, आइए आप लोग भी आइए थोड़ा। यही नल जल योजना का जो घर घर गया है, हम लोग के दोनों घर पे गया है, बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। और भी भाई लोग हैं, बताइए भैया आप, बाबा आप आइए आइए। ये जो 5 साल जो मुखिया जी का जो सत्र रहा, यहाँ के जो भी मुखिया जी हैं वर्तमान में अभी, वो क्या क्या काम किए गांव के लिए, वो बताइए खुल के। वो कुछ नहीं काम किया है। वो भाई जी बोल रहे थे कहाँ भाग गए भाई जी? आइए भाई जी वार्ड नहीं सुनिए सुनिए, ये भाई जी बोल रहे काम हुआ है, आप बोल रहे नहीं हुआ है,
मुखिया जी के यहाँ हम गए थे, आपका वृद्धा पेंशन हो जाएगा ऐसे बोला, फिर कहा कि आप एपीएल में हैं, आपका नहीं होगा, हम चले आए। फिर उसके बाद आपने और भी आगे कुछ कार्रवाई सोचे? नहीं, इसके बाद फिर उसके बाद आप उच्च पदाधिकारी से शिकायत किए? किसी शिकायत नहीं किए, गलती आपका रहा। और भी भाई लोग? हाँ भैया बोलिए। आप जिससे बोले मुखिया जी का बात हम नहीं कर रहे थे, हम वार्ड नंबर चार का बात कर रहे थे। अच्छा, वार्ड नंबर चार में काम हुआ है, नल जल योजना का घर घर गया है, सबके घर गया है। हम मेरे घर पे आया, पुराना वाला घर पे भी गया, और अगल बगल सबके यहाँ नल जल योजना वाला घर सबके यहाँ लाभ, सबका नाम मत लीजिए आप, बहुत आदमी के यहाँ पहुँचा है। और भी जो भाई जी लोग बोल, पानी चल रहा है, ये पहले बताइए रामपुर खुद में जो चार नंबर वार्ड में जो बना हुआ है नल जल, उसमें टोटी कितना घर में लगा है और कितना घर में पानी का सप्लाई हो रहा है, और अगर कितना देर उसको पानी मिलता है, उसको जितना पानी मिलता है उतना हटास पानी से काम होता है घर में क्या? दूसरी बात रही कि टोटल काम हो गया है, ठीक है नल जल का काम हुआ है, लेकिन जबकि ऊपर से आए थे सर लोग तो वहाँ बताए थे कि जितना रोड कटिंग हुआ है उसमें सीमेंटेड का जो है देखे उसको भरा गया है, तो जरा सा पंचायत में चल के किधरों देखा जाए कि वो क्या कहूँ सीमेंटेड हुआ है, जहाँ पक्की रोड कटा है वहाँ बताया गया था कि ये पक्की रोड जो है रविशंकर बाबू आए थे बोले थे कि टोटल को पिचिंग करेगा, क्या वो कभी पिचिंग हुआ है? आपके आप जो कह रहे हैं जो पिचिंग नहीं हुआ है, वो जो रोड है कितना चार नंबर वार्ड का वो रोड है, और जिधर भी कटिंग हुआ है उधर जो है सीमेंटेड नहीं किया गया है। दूसरी बात, जितना घर में गया है नल का कनेक्शन उसमें देखा जाए कितना परसेंट घर में पानी जा रहा है, नल लगने से इन्हें होता है कि वहाँ पानी चल गया, जहाँ खाली नल लग गया वो 30% महीना कहाँ से देगा घर, जबकि उसके यहाँ एक भी बूंद पानी नहीं चलता है, नहीं तो यहाँ मोटर चलाइए और जैसे चलता है या नहीं तो घर घर जाके पूछिए कि वहाँ कितना घर में पानी जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। दूसरी बात, विकास मित्र जबकि आया था रिपोर्ट करने के लिए, सर्वे करने के लिए यहाँ से, जब उसमें हम लोग एप्लीकेशन दिए गए थे कि हमारे घर में नल नहीं लगा है, उसके बाद हमारे घर में 2 नल लगा गया है, उसके बाद भी उसमें पानी नहीं जा रहा है, तो विकास मित्र जबकि आया था, उसका हस्बैंड आया था, महिला नीलम कुमारी जो है विकास मित्र है, लेकिन वो अपने से नहीं आया था, वो अपना हस्बैंड को भेजा था, तो उसमें जो है वो कुछ से कुछ रिपोर्ट लिख दिया, जिस घर में बच्चा था उस घर में बच्चा से लिखवा लिया गया कि हाँ यहाँ नल लग गया है, लेकिन नल लगा है लेकिन वहाँ पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये कोई पता नहीं किया। दूसरी बात, जबकि हम रिपोर्ट लिए तो उसमें वो जो रिपोर्ट जो है प्रखंड को जबकि दिया गया तो उसमें किसी के यहाँ अगर एक नल लगा है तो उसके यहाँ जो है वो लिख के 4 नल का दिया गया था कि इसमें 4 नल लगा है, जबकि उसको हम पूछें कहाँ 4 नल लगा है, जब हमको चलिए बताइए, तो उसमें वो बताया कि कोई गलती से हमको लिखा दिया, वो गलत रिपोर्ट बना के भेजा। दूसरी बात, योजना 17-18 में टोटल योजना जो है लागू हो गया है, फंड से पैसा निकल गया है, तो प्रखंड से जबकि उसके रिपोर्ट मांगे गए तो दो दफे रिपोर्ट जबकि दिया तो दोनों में अलग अलग करके दिया गया, और योजना जितना भी हुआ है किधरों जो है सूचना बोर्ड नहीं लगा गया है, एक भी काम का ही नहीं लगा गया कि फलना घर से फलना घर तक गया, उसमें जबकि रिपोर्ट दिया गया तो एक पाला जबकि रिपोर्ट हमको दिया गया तो दिया गया है राजू मंडल के घर से हुलाज स्थान तक नाला का निर्माण, तो हुलाज स्थान तक नाला का निर्माण कहाँ तक आता है वो जो है आप लोग देखिए, तो उसमें हम बोले कि ये कितना मीटर लंबाई चौड़ाई वो बताइए, तो वो कोई बताने वाला तैयार नहीं, वो सूचना पट भी लगा गया है। दूसरी बात, फिर जो है दिया गया कि राम प्रवेश मंडल के घर से नदी तक, अरविंद मंडल के घर से नदी तक नाला का निर्माण, तो वो भी नाला चल के देखा जाएगा वो नाला क्या है। दूसरी बात, फिर दिया गया है कि राजू मंडल के घर से नदी तक नाला का निर्माण, वो भी नदी तक कहाँ है 4 नंबर में वार्ड में हमको वो दिखाया जाए। तीसरी बात दिया है, पप्पू मंडल के घर से सचिन कुमार के घर तक नाला का निर्माण, वो कहाँ बना गया है वो हमको दिखाया जाए। फिर जो है एक योजना का दिया गया है कि सुमन कुमार के घर से संजय कुमार के घर तक PCC सड़क का निर्माण, फिर दिया गया है पप्पू मंडल के घर से संजय कुमार के सकीचन मंडल के घर तक नाला का निर्माण, तो वो सब कहाँ बना गया है, किधरों सूचना पट लगा गया नहीं है। और जो है यहाँ इतना सब बात आप बोले, काफी जानकार रखते हैं, जानकारी भी हैं। योजना जितना हुआ गया है उसमें दर्शाया किधरों ने गया कि योजना इतना लाख का है, एक योजना को 3 दफे 4 दफे भ्रमित कर दिया गया है। शंकर बाबू आए थे उसमें बोले थे कि इस पे काम होगा, तो उनके आने के बाद जो है एक योजना का काम हुआ बाकी योजना का काम नहीं हुआ, जिसमें कि जनरल में जो है निरीक्षण में यहाँ दिया गया था रंजन कुमार को, तो रंजन कुमार को जब हमने पूछा मुजमानी रूप से तो बोला कि इसमें भी जो है ईट सोलिंग हुआ है और मट्टी बिछाया गया है, लेकिन जबकि उस पूर्व मुखिया जबकि आया तो इसमें बोला कि कौन बिछाया गया है, तो कहता है कि नहीं इसमें तो यही बिछाया गया, तो बोला कि उसका कागज़ जो है हम दे देंगे, तो कागज़ खाली देने से तो नहीं होगा,
पूर्व मुखिया जो बिछाया गया है उसके बाद जो बिछाया जो यहाँ पर जो बात है, सुनिए, यहाँ पर जो आपका कहना है कि जो काम हुआ है उसे पर सिर्फ कागज पे हुआ है, सिर्फ कागज पे हुआ गया है और किधरों कोई सूचना बोर्ड नहीं लगा है। अगर सूचना बोर्ड लगाया गया है, आप जो भाई जी बात से सहमत हैं, ये जो भाई जी बोले ये बात से आप सहमत हैं? सहमत है। और जो बताइए, आप जो मेन जो मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा है। ओ भाई, वो बुटरुक पकड़िए उधर, आप पढ़ाई करते हैं? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10। आप इसी ग्राम में हैं? हाँ। 4 नंबर वार्ड में आप आते हैं? हाँ। आपका जो सरकारी स्कूल है, कौन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। है? तो यहाँ का जो स्थिति है सरकारी स्कूल का, क्या स्थिति है बोलिए? यहाँ पे नाला देख लीजिए कहाँ तक बना है। नहीं, वो नाला हम देखबे करेंगे। हाँ। स्कूल का क्या हुआ? आप पढ़ाए अभी आप स्टूडेंट? स्कूल का ठीक है, चला स्कूल ठीक चलता है। हाँ। और कौन क्लास तक का स्कूल है? यहाँ मतलब 10 तक। अभी 10 तक है स्कूल? हाँ। का नाम? मध्य विद्यालय कंजिया। मध्य विद्यालय कंजिया में पढ़ते हैं। हाँ। ठीक है। और जो है यहाँ पे अभी जो है चाची से पूछेंगे कि यहाँ पर जो चिकित्सा का क्या लाभ है। चाची बताइए कि जो यहाँ पर जो जैसे अभी मान के चलिए हमको चक्कर आ गया, हम गिर गए, हमको अभी कौन हॉस्पिटल लेके जाइएगा? कोई आसपास आपके गांव में हॉस्पिटल है तो कौन सा हॉस्पिटल है? मुखिया जी कुछ उस टाइप का हुआ होगा गांव में? ब्लॉक है। ब्लॉक है। हाँ। ब्लॉक में हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है ना, काम होता है। हाँ, काम होता है। ठीक है, चाची जी बोले काम होता है हॉस्पिटल में। पूछ लीजिए इसके घर पे। और हमको देबे नहीं किया है। मेन जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है कि पानी। चाचा जी, चाचा पानी का सप्लाई नहीं हुआ। और इन लोगों का जो कहना है, कोई कानून है क्या जो जिस व्यक्ति का अगर 4 नंबर और 5 नंबर में घर है, अगर बोरिंग के पास 4 नंबर का जगह है और 4 नंबर में घर है और उसका वोटर लिस्ट जो है 5 नंबर में आ गया है, तो क्या उसको 5 नंबर पानी देगा क्या? 4 नंबर का कायदा नहीं बनता कि बगल में घर है तो उसको पानी दिया जाए? एकदम ये जो बात बोल रहे हैं आप, इसका बात है ठीक है। चाचा आपसे भी थोड़ा पूछेंगे, जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, ये जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा ये मुखिया जी का, बताइए कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं है? नहीं। ठीक है, और भाई जी लोग के पास चलेंगे, जैसे ही चचा है हमारे जो चचा है इनसे भी पूछेंगे। चचा, ये जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? कोई फायदा नहीं है। मतलब आपको जो है कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया? कोई नहीं। कुछ नहीं। इंदिरा आवास तो इधर दिया, पहले दिल्ली में किया था, जल वितरण न था तो खत्म हो गया। राशन कार्ड में नाम है? है, राशन कार्ड में भी नाम है। ठीक है, और भी भाई लोग हैं इनसे पूछते। भाई जी आप हमारा घर दूर है। दूर है के लिए हमको पूछिए। आप इसी ग्राम में हैं? हाँ। कंजिया गांव में हैं? हाँ। 4 नंबर वार्ड से हैं? नहीं, ग्राम में है। हाँ, ग्राम में है। 4 मुखिया जी तो वही पुराना वाले थे जो है? पुराना वाला एक्सपायर कर गया, दूसरा आया है। अरे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा जिनका, पहले उनका वो बोलिए। उनका नहीं, अभी जो 5 साल का जो वो तो वहाँ है रामपुर में, तो अभी वाला जो वर्तमान में चल रहा था। हाँ। उनका बताइए कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और हमको लगता है कैसा कि हर चीज में आपको कैसे डेवलप करना है, उनको कैसे करना, हर चीज में व्याकुल है। राशन कार्ड में आपका नाम है? राशन कार्ड में नाम है। लेट से चढ़ा, चलिए आप रहिए दूर। और जो बात बोलने दीजिए, राशन कार्ड में नाम है इनका। और शिक्षा आप कितने तक पढ़े हैं? शिक्षा तो हम इंटर की है। मैं फेरो है चीज नहीं बोल। आप बोलिए तो आप भी बात बिहार में। आप 1 मिनट रुकिए भाई। आप बिहार में जो है अभी बिहार में दारू बंद है, तो आप कैसे कह सकते हैं बात पिए हुए हैं? 4 नंबर वार्ड का समस्या देखिए, या नाला और नल जल यानी कि का विकास देखिए क्या हुआ नहीं हुआ है। बोलिए 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 बोलिए। और जो सबका बोलने का राइट है भाई जी, आप लोग सबका बोलने। भाई जी सुमित भैया कैमरामैन थोड़ा आगे, गाड़ी है पीछे। घर में यानी कि नल नहीं लगा है? नल नहीं लगा है। 4 नंबर जो 4 नंबर में वार्ड में है नल नहीं लगा है। सामने से पाइप गया है, सामने से पाइप गया नहीं। और भी यहाँ पर जो है भैया है, भैया से 1 मिनट पूछेंगे। सुमित भैया आइए। चाचा आप इसी ग्राम से हैं, कंजिया गांव से? जी।
हाँ तो बताइए, यहाँ का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें आप संतुष्ट हैं या आपको बदलाव चाहिए? मुखिया जो भी है सहदेव साहब, आज तक न तो उस समाज घूमने के लिए आया है, न तो उस देखने के लिए भी आया है, ना ही कोई यहाँ काम हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है समाज में। अच्छा, बाहर जो सबसे बड़ा जो आपदा जिसको कह सकते हैं कोरोना काल, कोरोना काल में हुआ है न, वो तो एकदम ऐबे नहीं करता है यहाँ पे, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। आप भाई जी, आप लग रहे हैं यंग, थोड़ा सा नया जोश नया उत्साह, तो आप थोड़ा बोलिए। इसी ग्राम से हैं, कंझिया गांव से? जी हाँ, कंझिया से, कंझिया गांव से हैं। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई की है, छोड़ दिए हैं। बाकी कितना क्लास तक पढ़ाई की? 11th किए हैं। कोई कारण रहा होगा? हाँ, पैसा के मामले में, पैसा, सरकारी योजनाएं भी बहुत है लेकिन कोई लाभ नहीं मिला अभी तक, कोई लाभ नहीं मिला। और जो है गांव के बारे में थोड़ा बताइए। क्या बताएंगे, जो बनता है, जो पद पे बैठ गया वो फिर किसी को देखने तक के लिए नहीं आता है, वो सिर्फ अपने से मतलब रखता है। बाकी हम कैसे स्थिति में हैं, क्या खा रहे हैं, या कुछ जो भी लाभ आया देना चाहिए या ना देना चाहिए, पूछने तक के लिए क्या हम लोग अगर पूछेंगे भी तो मिलेगा, पर मिलता आज तक कभी नहीं। सबसे बड़ा बात जो है यहाँ पे, सबसे बड़ा बात, भैया लोग भी हैं। चाचा आप इसी ग्राम से हैं? हाँ, आप भी आइए, आप भी आइए, भैया आइए, आप देखिए भैया आए हैं। आप कंझिया गांव से ही हैं? हाँ, नाथे नगर प्रखंड में रहें? नाथे नगर। आप बताइए कि यहाँ का जो अभी नाला वाला क्या आपका था? नाला जो बनाता है तो 40 एक का मसाला दिलवाता है ठेकेदार ने, जो भी ठिका लेता है 40 एक का मसाला दिलवाता है। लली देखिए जाकर टूट गया है एकदम, मतलब आपका ये जो नाली है हुआ लली खत्म हो गया है। ये नाली जो है भाई जी, आइए सुमित भैया, ये जो नाली ये जो बना हुआ है इस पे पाट भी है? ये जो गिरा हुआ है, ये जो पाट, इसका आप देखिए बताइए, ये किनके कार्यकाल में रहा? अभी तो ये तो बारी ठेकेदार ने बनाया था, ये वाला जो पीछे दिखाइए सुमित भैया, यहाँ पर जो नाला है, लेकिन इसको ढकने के लिए थोड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है कंझिया गांव, यहाँ से प्रारंभ होता है, और यहाँ से भाई जी आप लोग, आप भाई तुम इसी गांव से हो? इधर आओ। आप जो हैं कौन क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में। इंटर में पढ़ते हैं? इंटर में। मैट्रिक में कितना डिवीजन आया? मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन एकदम बढ़िया बात है। अपना गांव से पढ़े, सरकारी स्कूल कंझिया जो स्कूल है, वाह बहुत। यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसके बारे में बताइए, नया जोश है आप बताइए। अभी जो है कंझिया स्कूल में तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन जो है टीचर का अभी कमी है। टीचर का कमी है सबसे बड़ा बात है, कंझिया स्कूल जो है यहाँ पे टीचर का कमी है। हाई स्कूल हो गया और टीचर का कमी है अभी। आज जो स्वास्थ्य है आपके गांव में, अगर मान के चलिए हम अगर गिर गए तो आप हमको कहाँ ले जाइएगा? ब्लॉक। ब्लॉक व्यवस्था अच्छा है। देखिए यहाँ का जो युवा पीढ़ी जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ का जो है शिक्षा भी ठीक है, चिकित्सा भी ठीक है, और जो है यहाँ सबसे मुख्य कारण जो है जो बात है नाला का और पानी पीने का वही है। और यहाँ पे अभी कैमरामैन भैया जो है सुमित भैया, वो दिखाइए ये जो पानी है, कोई भी आदमी आएगा तो रात में अंधेरिया में गिर सकता है। और यहाँ पर जो है अभी हम पानी टंकी के पास आ गए, यहाँ जो स्टार्ट होता है गांव का जो प्रारंभ है, प्रारंभ जो जगह है वहाँ पर हम आए हैं, और जो पानी टंकी है ये अभी हम दिखाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है पानी टंकी है, पानी का टंकी कितना बड़ा है देखिए, इधर पानी का टंकी और पानी का जो बेस है रखने वाला वो कितना बड़ा है, पानी का टंकी कितना छोटा है, कितना घर में जाएगा चाचा? ठीक है सर, इधर इधर ये बताइए, ये जो पानी आ रहा बाहरी, अब नीचे का लेयर कैसा होगा, हम लोग को बीमारी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, ये बताइए आप ही लोग। नाली छोड़ दिया है जो बनाया है, बोरिंग जो टेंडर लिया था वही आदमी नाली भी बनाया है, और नाली का निकासी नहीं दिया, ये बोरिंग पे सारा पानी बर्बाद हो रहा है, पूरा समाज वाला पी रहा पानी, बीमार पड़ रहा है बालोचा सब। ये बात का आपने शिकायत किया मुखिया जी से? अरे मुखिया जी को 3 बार जाके कहें, 3 बार जाके कहें मुखिया जी यही पानी पियेंगे हम लोग,
इतना मुखिया जी क्या बोले, पानी होता है मुखिया जी क्या बोले, क्या बोला? ठीक है देखेंगे, ध्यान देंगे, बोलेंगे वार्ड को, शिकायत करेंगे, खाली बोल दिए बस। खाली कागजी बात होता है सर, जमीनी कुछ काम नहीं होता है। अरे ए बाबू रे, तुम बड़ी देर से खोज रहे, तुम भाग जाते हो। ए सुनन को बिना कर दो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा कुछ है। वो कौन क्लास में पढ़ते हो बोलो? वन क्लास में। कौन स्कूल में? सेंट्रल पब्लिक। और ठीक है, कौन खोड़ा जानते हो? दुका खोड़ा सुना मतलब? अच्छा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 जानते हैं, बताओ। 2 1 2 2 2 4 2 एकदम जानते हो भाई, हमको याद है, हमको पता चल गया तुम होनहार हो। और गांव के बारे में कुछ पता है? क्या पता है बोलो, बच्चा है, बच्चा से सुनना चाहेंगे। ज़्यादा नहीं पता। ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है सर, देखिए जाके घर एकदम। और जो गांव वाले, हमको पंडित मिला है और नहीं कोई राहत मिला है बाढ़ पीड़ित का, 1 किलो चूड़ा, 50 ग्राम गुड़ चीनी कुछ नहीं मिला हमको। नहीं तो देख लीजिए जाके वार्ड का रजिस्टर उल्टा के, मुखिया का रजिस्टर उल्टा के, अगर कहीं मेरा नाम होगा तब बोलिएगा हमको। कोई योजना नहीं मिला है, घर में भरी कम्बर पानी हो गया, चूल्हा में पानी नहीं गया होगा, तब बोलिएगा। जो भी सरकारी योजनाएं का लाभ है, किसी है। कुछ लाभ नहीं है, कुछ नहीं। आज 5 साल से दे रहे हैं फार्म भर के, राशन कार्ड का नहीं है, राशन कार्ड तक नहीं है। राशन कार्ड भी आपको नहीं मिला? नहीं, हम लोग को भी नहीं मिला, हम लोग के घर में इतना पानी था भरी कम्बर। क्या बोले भाई, फिर से आप बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना सिंह है। आप यही जो गांव है इसी का रहने वाले? बस यही मंदिर के सामने मेरा मंदिर के, हाँ इसी गांव में जी। और जो बताया आपका समस्या? समस्या है कि पानी सही से नहीं चलता है, पानी जो यहाँ का मेन मुख्य समस्या जो जरूरत पड़ता है तो 12 बजे दिन में चला लेता है, चलाता है। जनता को प्यास लगा है, समय हो गया, 6 बज गया सुबह, ये चलाएगा नहीं चलाता है। बाढ़ में गए वार्ड को बोलने के लिए, बोला आप लोग को पन्नी नहीं मिलेगा, चूड़ा भी नहीं मिलेगा, अभी तक दिया भी नहीं है। जिसका दुमल्ला घर है सर, उसको पन्नी मिला है? हेलो, एक घर में 3 आदमी को पन्नी मिला है। और समय जो भी यहाँ पर मुख्य जो बात है, यहाँ पे आप लोग जो है बदलाव चाहते हैं, यहाँ इस बार जो है बदलाव होना चाहिए, आप लोग जो फेवर में है बदलाव के, यहाँ पे परिवर्तन आप लोग को करना है। और जो बात है, अभी हम यहाँ पे जो ग्रामीण बंधुओं से बात किए और सिल्क टीवी जो आए हम लोग यहाँ पे अभी बातचीत करने के बाद, और अब हम जो है सुमित भैया जो कैमरामैन है उनके साथ, हम आलोक राज छोटा लालू जो आवाज़ में, ठीक है, धन्यवाद।